you're shifting our focus to the breaking development that we are learning at this point of time, even as the opposition is currently protesting outside the parliament on the issue of the Adani and cornering the central government as well. Rahul Gandhi has given a big statement in this regard as a human chain was being formed by the opposition. Rahul Gandhi, the leader of opposition, has said that Prime Minister Narendra Modi cannot get Adani investigated, as if he is going to get Adani investigated, then he will also has to get himself investigated, as they are both one. He also said that they are not two, but only one. Let's listen into the statement now. Rahul ji, aap manav shrankhala banaya aaj aapne. Aap apna hi investigation karaoge kabhi? आप करा सकते हो अपना इन्वेस्टिगेशन? इसलिए नहीं होगा, मोदी जी अदानी जी का इन्वेस्टिगेशन नहीं करा सकते, क्योंकि अगर वो कराएंगे तो वो अपना ही इन्वेस्टिगेशन कराएंगे. My colleague Manohar Kesari has filed, in fact, a ground report on this important issue from the parliament. Let's listen in. दिन है लगातार इंडिया ब्लॉक के 18 घटक दल जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आज तीसरा दिन है लगातार अडानी मामले को लेकर के जेपीसी की मांग कर रहे हैं, इस मामले को लेकर सदन में चर्चा की मांग कर रहे हैं. और आज एक यूनिक तरीके से जो है सो इंडिया ब्लॉक के घटक दल प्रोटेस्ट कर रहे हैं. आप देख सकते हैं काले रंग के जैकेट पहन करके प्रियंका गांधी भी यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल है. और जैकेट के पीछे आप देखेंगे एक स्टिकर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है मोदी अडानी एक है, अडानी सेफ है. मतलब अडानी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे वार किया गया है. और लगातार विरोध प्रदर्शन के यहाँ पर नारे आप सुन सकते हैं. और लगातार आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन भी इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया है. और आप देखेंगे कि आज मानव श्रृंखला बना करके संसद के मकर द्वार के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि इस मामले में जेपीसी की मांग हो. हालांकि अगर इस में देखेंगे तो इंडिया ब्लॉक के घटक दल में समाजवादी पार्टी और टीएमसी शामिल नहीं है. उनका ये कहना है कि अडानी उनके लिए मुद्दा नहीं, बल्कि देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जो वो सदन में चर्चा चाहते हैं. तो ऐसी स्थिति में आप देख सकते हैं कि लगातार ये विरोध प्रदर्शन जारी है. प्रियंका गांधी भी इस प्रोटेस्ट में शामिल है. मनोहर केसरी, इंडिया न्यूज, दिल्ली. नाउ वी आर शिफ्टिंग आवर फोकस टू द ब्रेकिंग डेवलप